Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मंगल अपनी राशि बदल रहे हैं और मंगल की राशि बदलने से चार राशियों को महालाभ होने की संभावना बन गई है। कौन सी हैं वो चार राशियां जिनको मंगल के राशि परिवर्तन से महालाभ होगा, आज के कार्यक्रम में जानेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 जुलाई 2024, दिन शनिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 3:05 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, शाम के 7:15 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 13 जुलाई 2024 दिन शनिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है मिथुन राशि में, बुध और शुक्र कर्क राशि में, चंद्रमा और केतु कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, मंगल और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि मंगल का जो राशि परिवर्तन है, इसकी पूरी स्थिति क्या है, इसका पूरा मामला क्या है। देखिए, मंगल अभी तक मेष राशि में विद्यमान थे और मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही थी। अब मंगल 12 जुलाई को शाम को वृषभ राशि में जा चुके हैं और वृषभ राशि में मंगल के जाने के साथ अब मंगल बृहस्पति के साथ हो गए हैं। मंगल का ये राशि परिवर्तन लोगों की आर्थिक स्थिति, लोगों के रिश्ते और लोगों के वैवाहिक जीवन पर गहरा असर डालेगा। ये परिवर्तन राजनैतिक बदलाव का हो सकता है और राजनीति में बड़े उथल पुथल की स्थिति बन सकती है। तो मंगल मुख्यतः 12 जुलाई को शाम को वृषभ राशि में चले गए और अब हो गए बृहस्पति के साथ। आम आदमी के ऊपर
इस परिवर्तन का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और राजनीति पर देश और विदेश की स्थितियों में इस परिवर्तन का ज्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अलग अलग राशियों पर इसका प्रभाव रहेगा। लगभग अगले एक महीने तक मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव अलग अलग राशियों पर दिखाई देगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आकस्मिक धन का लाभ होता दिख रहा है। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। काम की अधिकता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में आपके प्रसन्नता आएगी। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। परिवार के संबंधों पर ध्यान दें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। धन का लाभ होता दिख रहा है। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि मंगल के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मंगल का जो राशि परिवर्तन है, ये परिवर्तन बहुत तेजी से आपको जीवन में प्रभाव दिखा सकता है। अब किस राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? मेष राशि के जो लोग हैं, उन लोगों को कुछ समय तक दुर्घटनाओं से सावधान रहना होगा। चोट चपेट लग सकती है। बेवजह की दुर्घटना घट सकती है। वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोग आकस्मिक रूप से आर्थिक नुकसान से बचिए। वृष, कन्या और मकर राशि के लोगों को अचानक से धन का नुकसान हो सकता है। मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और बेवजह का वाद विवाद ना हो, बेवजह का झगड़ा झंझट ना हो, बेवजह की मुकदमेबाजी ना हो, इसका भी ध्यान बनाए रखना होगा। वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, उनको अपने वैवाहिक जीवन और अपने करियर का ध्यान बनाए रखना होगा।
वृश्चिक राशि के लोग अपने वैवाहिक जीवन और अपने करियर को लेकर के सतर्क रहेंगे। कर्क, सिंह, धनु और मीन, ये जो चार राशियां हैं, कर्क, सिंह, धनु और मीन, इन चार राशि के लोगों को मंगल के राशि परिवर्तन से लाभ के योग बन रहे हैं और इन चार राशि के लोगों को करियर में बड़ी सफलता मिलेगी और इनके लिए लाभ के योग बन जाएंगे। तो मोटे तौर पे आप देखिए कि जो आठ राशियां हैं उनके लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन बहुत शुभ नहीं है, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और मीन, इन चार राशि वालों के लिए फायदे का समय होगा और थोड़ा भी अगर ये लोग प्रयास करेंगे तो इन्हें करियर में, धन के मामले में, हर मामले में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, नौकरी में कोई परिवर्तन हो सकता है, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, पारिवारिक कार्यों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, काम की तमाम रुकावटें दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में नए अवसर आपको मिल सकते हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, बड़ों की सहायता से जीवन में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं, जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जैसा आपको पहले भी बताया कि मंगल का राशि परिवर्तन चार राशियों के लिए अच्छा है, लेकिन बाकी आठ राशि के लोगों के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है। तो अगर मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल नहीं है तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, आठ राशियों के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है और उसमें भी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के लिए ये परिवर्तन ज़्यादा प्रतिकूल है, ज़्यादा निगेटिव है, और इसमें भी तुला राशि वालों को मंगल के इस राशि परिवर्तन से ज़्यादा सावधान रहना चाहिए,
तुला राशि वालों को विशेष सावधानी की आवश्यकता है। क्या उपाय करेंगे? इस समय रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका पाठ जरूर करिएगा। संभव हो इस समय तो नियमित रूप से किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करें या गाय को गुड़ खिलाएं। लाल रंग की वस्तुओं से इस समय परहेज करें। लाल कपड़े, लाल गाड़ी, लाल जूते, लाल चादर, लाल रंग से इस समय जितना परहेज करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में बड़े लाभ के योग बन रहे हैं। नए मित्र इस समय आपके बन सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। काम को लेकर के किसी तरह की जल्दबाजी ना करें। किसी मित्र की सलाह से इस समय आपको लाभ होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, आर्थिक लाभ होता दिख रहा है। वाहन सुख की प्राप्ति होगी। करियर में आपको लाभ होता रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके जीवन और आपके घर के लिए वास्तु टिप। अपने घर में कभी भी टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग मत करिए। अगर आप टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग करेंगे तो इससे आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए जहां तक संभव हो टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। अब जान लेते हैं दिनांक 13 जुलाई 2024 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 13 जुलाई शनिवार को प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करें।
अगर ऐसा सुबह के समय करते हैं या दिन के समय करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।